हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सदाबहार यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी, कैसे हैं आप सब लोग? देखिए दोस्तों, आज मैं आपको अपनी स्वीट पोटैटो वाइन दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर खिली हुई है। ये मेरे बाहर मिट्टी में लगी हुई थी, मुझे इसे बोतल में लगाना था, इसलिए मैंने इसकी कटिंग काट ली थी और इसको 7-8 दिन पहले इस बोतल में मैंने लगा दिया था। ये गर्मी में खिले रहने वाला प्लांट है, आप इसे गर्मी में लगाइए, ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। आप देखिए, जब मैंने इसे लगाया था तो इस पर ये वाली पत्ती नहीं आई थी, ये बोतल में लगाने के बाद ही ये पत्ती आई है। तो आप देख सकते हैं 7-8 दिन में इसने कितनी जल्दी ग्रोथ कर ली है। मैंने इसे इस तरीके से यहाँ से कटिंग से काट के बस पोटल में डाल दिया था। मैंने सोचा था अगर ये नहीं खिलेगी तो हम इसको वापस से मिट्टी में लगा देंगे, लेकिन आप देखिए कुछ ही दिन में इसमें कैसे जड़ निकल आई है और ये कितना अच्छा खिला हुआ है। ये गर्मी में बहुत ही आसानी से लग जाता है और बहुत अच्छा खिलता है, लेकिन अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप बरसात के मौसम में इसकी कटिंग लगाइए। बरसात के मौसम में ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है और पूरा हमारे बगीचे में घना होके हमारे बगीचे को बहुत अच्छा लुक देता है। अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं बोतल में तो भी आप लगा सकते हैं। गर्मी के मौसम में जब भी आपकी ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप इसकी पंचिंग कर दीजिए। आप देखिए इसके बीच में भी छोटे पत्ते और आ रहे हैं, इसका मतलब ये पानी में भी बहुत अच्छे से सक्सेस हो गई है। तो आप इसकी कटिंग को इस तरीके से पानी में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये गर्मी में खिला रहने वाला पौधा है। सर्दियों में ये थोड़ा मुरझा सा जाता है, इसकी सारी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और झड़ जाती हैं, इसलिए आप अगर इस प्लांट को ख़रीद के लाना चाहते हैं तो आप इसे गर्मी में लेकर आइए और जैसे ही बरसात का सीज़न ख़त्म होने वाला हो आप इसकी बहुत सारी कटिंग अलग अलग जगह लगा दीजिए, क्योंकि सर्दियों में पौधा ख़राब हो जाएगा और अगर हमने इसकी बरसात में कटिंग लगा दी तो हमें बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे। इसमें एक और वैरायटी आती है ग्रीन कलर की, पर मुझे ये पर्पल वाइन बहुत अच्छी लगती है। ये शकरकंदी का पौधा है, अगर आप चाहें तो शकरकंदी को उगाकर भी इस प्लांट को तैयार कर सकते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली नर्सरी में अच्छी खासी बेल मिल जाती है तो आप वहाँ से भी ला सकते हैं। ये बेल मैं 50 रुपये की ख़रीद कर लाई थी, उसके बाद मेरे पास काफ़ी अच्छी घनी हो गई थी तो मैंने इसे कई जगह लगा दी है और अब मैंने इसे बोतल में लगाया तो बोतल में भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। अब देख सकते हैं इसमें नई नई पत्तियां भी और आ रही हैं। अगर आप इसे घना करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ से इसकी पंचिंग कर सकते हैं, जैसे ही आप इसे यहाँ से कट करेंगे तो इसमें और नई नई ब्रांचें निकल आएंगी। पर अभी ये थोड़ा छोटा है तो मैं इसकी पंचिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। जब ये हमारा पौधा घना हो जाएगा तब हम करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कितनी सुंदर जड़ें निकल आई है, वाइट वाइट दिख रही हैं। अगर आप चाहें तो अभी इसे गमले में भी लगा सकते हैं, ये बहुत जल्दी से ग्रो कर लेगा, लेकिन मुझे ये बोतल में ही लगाना है क्योंकि मुझे अपने कमरे में भी एक सुंदर लुक देना था। और आप देख सकते हैं मेरी खिड़की पर कैसे धूप छन के आती है, तो इन पौधों के लिए बहुत ही अच्छी है। इसे धूप भी मिलती रहती है, हवा भी मिलती रहती है। अगर आप इंडोर प्लांट लगाना चाहते हैं तो ऐसी ही जगह में लगाइए जहाँ बहुत हल्की सी सुबह की धूप भी आती हो। वैसे तो इंडोर प्लांट अंदर लगाए जाते हैं, लेकिन 10-15 दिन में हमें उसे भी धूप दिखाते रहना चाहिए, वरना हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर प्लांट है। अब
अगर आप भी अपने बगीचे में कुछ कलरफुल लगाना चाहते हैं तो आप ये पर्पल स्वीट पोटैटो वाइन ज़रूर लगाइए। आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए। आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरीके की जानकारी लेके आती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए नए वीडियोस देखने को मिलेंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।